हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए वह चार वार्निंग साइन बता रहे हैं जिससे आप यह समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ गया है। तो मित्रों, लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें क्योंकि यह आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आजकल कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई लेवल से परेशान है। मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। मित्रों, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हमारे फैट के डिपोजिशन होने के बाद से बढ़ने लगता है। मित्रों, कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम डेवलप करता है और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में किस पार्ट से सिंथेसिस भी होता है, इन सारी बातों के बारे में हमारा पूरा एक कोलेस्ट्रॉल से संबंधित वीडियो है, आप उससे यह पूरी जानकारी कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको यह बता रहा हूं कि वह कौन कौन से साइन हैं जिनके द्वारा हम बिना इन्वेस्टिगेशन के भी यह जानकारी कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। मित्रों, फैट के अलावा कोलेस्ट्रॉल कई बीमारियों में भी बढ़ जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइडिज्म और लीवर, किडनी या पेनक्रिया से जुड़ी हुई कई बीमारियां। वह लोग जिनको की ज़्यादा एल्कोहलिज्म की आदत है, वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनकी बॉडी में भी ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। हमारी बॉडी में जो हम खाद्य सामग्री लेते हैं, डाइट लेते हैं, वह बॉडी में लीवर के माध्यम से फैट के रूप में लीवर में कलेक्ट हो जाता है और जब कभी भी हमारे लिए फूड की कमी पड़ती है, बॉडी तुरंत ही इस स्टोर फैट मटेरियल को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जब एक्सेस अमाउंट में बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाता है तो वह बड़ा हुआ फैट हमारी बॉडी में कई जगह पर भी कलेक्ट होने लगता है। बॉडी में कई तरह के साइन अपीयर होने लगते हैं। वह मुख्य रूप से साइन जो लगातार हमें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की जनरली जानकारी में आ जाते हैं, जिनको हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की एक निशानी के रूप में समझ सकते हैं, उनके बारे में क्रम से बता रहे हैं। मित्रों, सबसे पहला साइन जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी आंखों के चलाजा एंड की तरह पलकों के ऊपर और नीचे पीले से कलर का दिखाई देने वाला एक स्ट्रक्चर है, जिसको जनरली हम लोगों की आंखों के ऊपर देख सकते हैं, जिनको हम ज़ैंथोमेलास्मा बोलते हैं। इस तरह के साइन को अगर हमें कोई भी व्यक्ति दिखता है तो ये पक्का है कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। मित्रों, जो दूसरा साइन है वह होता है ज़ैंथोमा। ज़ैंथोमा बॉडी के कई तरह के पार्ट्स में पाए जाने वाला एक हल्का सा उभार है, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड्स की जो बॉल्स हैं, फैट की बॉल्स हैं, वह एक जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं। इसको देख के भी हम ये जानकारी कर सकते हैं कि इस पर्सन को भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। मित्रों, अगर लगातार ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा रहता है तो आंखों के रेटिना और कॉर्निया में भी फैट का डिपोजिशन होने लगता है, वहां पर नए नए तरह की अपीयरेंस हैं वह दिख सकते हैं। कॉर्निया में फैट के जमा होने पर वहां पर कॉर्नियल आर्चेस डेवलप होने लगते हैं। कॉर्निया के चारों तरफ एक फैट की रिंग जैसी डेवलपमेंट दिखाई देती है, जिसको हम कॉर्नियल आर्चेस बोलते हैं। रेटिना में पाए जाने वाली जो आर्टरी और वेन्स हैं, उन पर भी जो रेड कलर की जनरली दिखती हैं, फैट के डिपोजिशन की वजह से वह वाइट अपीयरेंस में दिखाई देने लगती हैं, जिनको हम लिपोडीमिया रेटिनालिस बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति की लगातार टमी का बढ़ता रहना और उसकी बॉडी में पूरे शरीर में लगातार फैट का बढ़ते रहने का पूरा पूरा मतलब है कि उसकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ रहा है। मित्रों, इन चारों बढ़े हुए साइन के द्वारा हम आसानी से यह जानकारी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। जो आंखों में दिखाई देने वाले कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साइन है वह होता है लिपोडीमिया रेटिनालिस और कॉर्नियल आर्चेस। बॉडी में दिखाई देने वाले साइन हैं वह होता है ज़ैंथोमेलास्मा और ज़ैंथोमा। मित्रों, इन चारों
तरह के साइन के द्वारा हम ये आसानी से बिना ब्लड टेस्ट की जानकारी कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ गया है। ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बढ़ जाने पर जनरली बॉडी में शुरुआती स्टेज में कोई भी साइन सिम्टम दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर लगातार कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ा रहता है तो कई तरह की हार्ट और किडनी और कई तरह की क्रिटिकल इलनेस की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, जिसमें कि हार्ट से रिलेटेड कई तरह की कोरोनरी डिजीज की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मित्रों, अगर किसी को भी यह चार साइन में से कोई भी एक साइन दिखाई दे तो वह तुरंत ही अपनी लाइफ स्टाइल को बदल ले, अपनी डाइट को मैनेज करे, फैट फ्री डाइट ले या मिनिमम फैट का यूज करे, लगातार वॉकिंग करे, सैलड्स का अत्यधिक प्रयोग करे, ज़्यादा शुगर के कंटेंट्स को लेने से भी अल्टीमेट बॉडी में फैट का डेवलपमेंट होने लगता है, इसलिए शुगर रेशियो भी काफ़ी कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा जो चेन स्मोकर हैं उन्हें स्मोकिंग की लत को छोड़ना चाहिए, जो हाईली अडिक्टेड अल्कोहल लेते हैं उन्हें अल्कोहल को भी छोड़ना चाहिए, इससे उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहेगा तो जो वाइटल ऑर्गन हैं वो भी सेफ रहेंगे, हार्ट भी सेफ रहेगा। मित्रों, इन चार साइन को हमें अपने जीवन में वार्निंग साइन के रूप में लेना चाहिए और यह साइन हमारे लिए लगातार हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार सचेत रहना चाहिए। मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप लगातार यूं ही हमारे नए ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही जो उसके बगल में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, अभी तक आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।